है जो वर्णों के बीच से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। साथ ही साथ हमने संधि के भेद भी पढ़े थे, तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और साथ ही साथ विसर्ग सॉरी स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पांचों भेदों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे पहले गुण संधि पढ़ा था हमने, तो उसी के बाद हमने व्यक्ति संधि पढ़ा था, फिर हमने यण संधि पढ़ा था, कि अयादि संधि पढ़ा था, और लास्ट में हमने दीर्घ संधि पढ़ा था। तो उसी क्रम में आज हम जो है व्यंजन संधि को कवर करने जा रहे हैं। आज का वीडियो जो होगा व्यंजन संधि का होगा, और जो अगला वीडियो जो होगा वो होगा हमारा विसर्ग संधि पे। तो दोस्तों मैं टॉपिक शुरू करने से पहले, व्यंजन संधि शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेधा एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। और जिस प्रकार से हमने वीडियो सीरीज चलाई हुई है, एक एक वीडियो डेली हम अपलोड कर रहे हैं, एक एक वीडियो और एक एक टॉपिक पर हम डेली जो है लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को देखें और देखने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर करें। जैसे हमने पिछले पार्ट में हमने जो है स्वर संधि पढ़ा था, स्वर संधि के पांच भेदों के बारे में पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। तो साथ ही साथ दोस्तों आज जो है अगर हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि में भी आप प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये होगा कि आप जो है चीजों को भूलेंगे नहीं और लॉन्ग टर्म के लिए चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर आपको जो है दोस्तों मिशन यूके ट्रिपल एससी जो हमारा मिशन है, यूके ट्रिपल एससी जो बच्चे किसी कारणवश जो है ऑफलाइन कोचिंग लेने में असमर्थ हैं, तो ये जो स्पेशल जो ये क्लास चल रही है सिर्फ उन्हीं के लिए चल रही है। तो इसी क्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में जो है हम पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि में पांच सॉरी सात नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं सबसे पहले याद करें, जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और उससे व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है आने से, तो क्या हो जाएगा व्यंजन संधि कहलाएगा। जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है जिससे उसमें विकार उत्पन्न होता है तो वही व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन संधि पे हम जो है इसको आइडेंटिफाई करने के और बनाने के जो है सात नियम होते हैं, और आज हम सातों नियमों को जानेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा तो इसलिए मैंने संधि को जो है एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, बहुत लंबा वीडियो बन जाता, तो इसलिए मैंने संधि को तीन पार्ट में यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पार्ट हम लोग बना चुके हैं स्वर संधि पे, आज व्यंजन संधि की बात करेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। चलिए आइए जानते हैं क्या व्यंजन संधि क्या होता है करके, परिभाषा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो जानते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि टोटल सात नियम होते हैं, तो पहला नियम है यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, पहला नियम क्या होता है वो हम जानते हैं। पहला नियम क्या होता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। ठीक हो गया, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, यानी कि पहला वर्ण में कौन कौन आते हैं तो याद रखना, वर्ग के जो पहले वर्ण होते हैं उनमें कौन कौन आता है ये हमें याद रखना है। क आता है, च आता है, ट आता है, कि तो आता है, प आता है। ठीक हो गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे वर्ण में, यानी कि जो क है ना ये क यहाँ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ये च है ना ये च ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट है ना ये ट इसमें ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क जो है ना ये द में कन्वर्ट हो जाएगा, और क जो है ये ब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि जो पहला वर्ण है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो अब मैं कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे उदाहरण लिख के मैं आपको समझाता हूँ, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे वीडियो देखने के बाद तो आपका ये टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए उदाहरण पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना दिग्धन गज बराबर दिग्गज,
क्या लिखा, दिग धन गज बराबर दिग्गज। तो यहाँ पे ना क आया ना, तो क तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया था तीसरे वर्ण में कौन सा है, तो ग है। तो दिग धन गज बराबर दिग्गज, तो ये क किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हमारा ग में कन्वर्ट हो गया, ये क ग में कन्वर्ट हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, दिग धन अंत, दिग धन अंत, तो क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोला है ग में, तो दिग धन अंत बराबर दिगंत। अगला उदाहरण देखते हैं, दिग धन दर्शन, तो क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बराबर दिग दर्शन, तो क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग में। जैसे दिग धन वेद बराबर दिग वेद, तो ये और ग में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो ये बात थी हमारे क की। अब हम बात करते हैं च वर्ण की, तो च वर्ण में क्या होगा, जैसे अच धन जाती होगा ना, तो आजादी होता है, तो च किस में कन्वर्ट हो गया है, तीसरे वर्ण में, यानी कि यहाँ पे ज है, तो आजादी हो गया, ठीक हो गया। अब क की मैं बात करूं, तो सट धन आनंद बराबर सटानंद, तो ट किस में हो गया, ग में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। ऐसे ही अगला मैं तो की बात करूं, उत धन योग बराबर उद्योग, ये तो है ना, ये द में कन्वर्ट हो गया। अगला बात करूं मैं, अप धन धी बराबर अवधि, तो ये जो तो है ना, ये ग में कन्वर्ट हो गया, अप धन धी बराबर अवधि। तो इस प्रकार से ये था हमारा पहला नियम, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो पहला नियम हमने पढ़ा, अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था वर्ण का पहला वर्ण जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर जो है पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब पहला वर्ण हम जानते हैं कौन सा है, तो क है, तो क में कन्वर्ट हो जाएगा, और च जो है अ में कन्वर्ट हो जाएगा, त न में कन्वर्ट हो जाएगा, त ईया में कन्वर्ट हो जाएगा, और प जो है म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, प म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण मैं लेके चलता हूँ, एक एक उदाहरण में सालों का दूंगा, तो च ट त और प सबका दूंगा। तो जैसे मैंने आपको लिखा ना, वाक धन मई बराबर वाडू है, तो क जो है जैसे अगला मैं आपको देता हूं, सक धन मुख बराबर सण मुख, तो त का भी आ गया, ठीक हो गया। तत् धन मय बराबर तन्मय, तो त का नौ में ये भी आ गया। जगत धन नाद बराबर जगन्नाथ, तो त का फिर से नौ में आ गया। तो नियम जो आपको समझ में आ गया होगा, पहला वर्ण जो है पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। पहला वर्ण में कौन कौन से होते हैं, क च ट त और ख, सिंपल है। और साथ ही साथ हमने जो नियम एक पढ़ा था, उसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ये चीजें है ना, जो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ग ज और ये ड और ग ब, ये जहां आपको बीच में नजर आएगा, बीच में जहां ये नजर आ गया, कौन कौन, ग ज ड ड ब, जहां ये बीच में नजर आ गया, तो आप जो है सीधा रेक्टिफाई कर देंगे कि ये व्यंजन संधि है। एग्जांपल, ग बीच में आया ना, यहाँ पर भी आया ना ग बीच में, यहाँ पर भी ग बीच में आया ना, यहाँ फिर आगे ना ग बीच में आ गया ना, तो ऐसे। और ये ज भी आ गया ना आजादी में बीच में, और ऐसे ही ये भी आ गया ना ड, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लें, ठीक हो गया। एक एक ट्रिक है, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नियम एक और दो हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं नियम तीन। नियम तीन क्या है, जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद छ आ जाए, तो छ को छ से पहले लगा देते हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि क छोटी ई और छोटा व नी, और दीर्घ स्वर की बात करें तो आ बड़ी ई बड़ा उ, ये सब जो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद में छ आ जाए, तो छ को हम छ से पहले जोड़ देते हैं। ऐसे उदाहरण देता हूं मैं, जैसे सौ धन छंद है ना, सौ धन छंद, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, अनुधन
छेद आया ना छोटी छोटी सॉरी छोटा ओ की मात्रा आया ना तो अनुच्छेद, तो छ से पहले जोड़ हो गया, ठीक हो गया। जैसे परिधन छेद छोटी की मात्रा है ना तो देखो क्या जोड़ दिया है, छ जोड़ दिया है। विधन छेद बराबर विच्छेद, तो याद रखना है स्वच्छंद अनुच्छेद अपरिच्छेद विच्छेद ये जहां पर आपको मिले तो आपको याद रखना है कि व्यंजन संधि है, ठीक है। नियम तीन और नियम चौथा क्या है उसको भी हम जान लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझना है, थोड़ा समझना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। तो ये तत्संबंधी नियम है, ठीक हो गया, तत्संबंधी नियम है। तो होता क्या है यदि त के बाद में च या छ आए तो च में कन्वर्ट हो जाता है और ज या झ आए तो ज में परिवर्तित हो जाता है, ट या ख आए तो ट में ही परिवर्तित हो जाता है, ढ या ढ आए तो ड में ही परिवर्तित रहता है, ल का ल में परिवर्तित रहता है। फिर से एक बार और बता देता हूँ, यदि त के बाद च या छ आए तो छ में परिवर्तित हो जाता है, यदि ज या झ आए तो ज में परिवर्तित हो जाता है, यदि ट या ख आए तो ट में परिवर्तित हो जाता है, यदि ड या ढ आए तो ड में परिवर्तित हो जाता है, यदि ल आए तो ल में ही परिवर्तित रहता है। नियम चार, अब इनके उदाहरण हम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको उच्चारण दिखाना तो उच्चारण चारण बराबर उच्चारण हो गया, उच्चारण चारण बराबर उच्चारण। तो हमने पढ़ा कि त के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है तो च ही रहेगा, तो उच्च त आया ना यहाँ च तो उच्चारण रहा, ठीक है। जैसे जगत धन, जगत धन छाया बराबर जगत छाया, च ही आया, ठीक है, जगत धन छाया बराबर जगत छाया, ठीक हो गया। जैसे सद धन जन बराबर सज्जन, ठीक है, जो आया ना त के बाद में जो आया तो जो में बन जाएगा तो सज्जन। अगला उच्च धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, त के बाद जो आया ना तो जो ही रहेगा, उच्च धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। अगला उदाहरण बृहत धन टीका बराबर बृहत टीका, त के बाद त आया ना तो त ही रहेगा, उच्च धन डयन बराबर उड्डयन त ही रहेगा, ठीक हो गया। उच्च धन लास बराबर उल्लास, त के बाद ल आया तो क्या रहेगा, ल ल ही रहेगा, मैंने आपको बताया था, तो उत्तलास, ठीक हो गया। और उच्च धन लेख बराबर उच्च धन लेख बराबर उल्लेख, तो ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तत् धन लीन बराबर तल्लीन। तो ये थे हमारे क्या, तो चार नियम इसके व्यंजन संधि के। और अब हम आगे जो है अगला नियम जो है करते हैं, इसी में थोड़ा सा जो स संबंधी नियम और असंबंधी नियम है, नियम चार में ही इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक हो गया। बात करते हैं हम तो नियम चार की ही, जब ये तो के बाद में सलजम वाला स आता है तो ये तो जो है च में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही जो सलजम वाला स है ये स छ में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे ये हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। जैसे आपको उदाहरण है ना, उच्च धन श्वास बराबर उच्छ्वास, तो देखो तो आया ना तो के बाद में स, अगर स आ रहा है तो त खुद त च में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और ये सलजम वाला स छ में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वही है ये त यहाँ छ में कन्वर्ट हो गया और ये स यहाँ छ में कन्वर्ट, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से उच्च धन श्वास बराबर उच्छ्वास हुआ, क्योंकि जब त के बाद में स आएगा तो खुद त जो है च में कन्वर्ट हो जाएगा और स छ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए उच्च धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो गया, ठीक हो गया। उच्च धन श्वास बराबर उच्छ्वास, स छ में कन्वर्ट हुआ है और ये च जो आया है त के बाद आया है, ये त च में कन्वर्ट हो गया, जी। इसी में दूसरा है, यदि त के बाद में ह आता है तो त जो है द में परिवर्तित हो जाता है और ह जो है घ में परिवर्तित हो जाता है, इसे ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पर जो है कंफ्यूजन का भरा है और यही तो गलतियां होती हैं, तो ये गलती यहाँ पर हम लोग ने नहीं करनी है। जो ह है ना, ह में जो यहाँ पर त के बाद जो ह आएगा उसमें जो ह है घ में परिवर्तित हो जाएगा और खुद जो त है ना ये द में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, उच्च धन हार बराबर उद्भाव, त जो है ना द में कन्वर्ट हो गया है, ठीक हो गया, और ये ह है ना, ये ह ये जो है घ
परिवर्तित हो गया है तो उद्धार हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, उक्त धन हत बराबर उद्धार, तो है ना ये दोनों परिवर्तित हो गया हव और हव किसमें परिवर्तित हुआ तो भव में परिवर्तित हो गया तो उद्धृत धन हत बराबर उद्धार ठीक हो गया। तो ये था हमारा नियम चार, हमने टोटल नियमों की बात की थी, सात नियम होते हैं जब शुरू में आप लोगों को बताया था, तो चार नियम उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम आगे नियम पांच नियमों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस नियम में। तो पांचवा नियम जो है ना नौ संबंधी नियम है, नौ संबंधी नियम बहुत आसान है, यानी कि री रो के साथ यदि न आए तो वो अण में परिवर्तित हो जाता है। फिर से बोलता हूँ, यदि री र और षट्कोण वाले स के साथ में न आए तो वह अण में परिवर्तित हो जाता है। नियम है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। तो क्या हाँ मैंने बोला री र स जो है के साथ अगर न आता है तो अण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसान है, जहाँ अण आता है तो वैसे ही पहचाना जाएगा ठीक हो गया। जैसे परिधन नाम बराबर परिणाम, री आया ना रो आया ना और रो के साथ में न आया ना तो अण में परिवर्तित हो गया। प्र धन मान बराबर परमान, प्र में रो का अक्षर आ रहा है ना तो उसके बाद में जो है न आया है ना तो इसलिए अण में कन्वर्ट हो गया ठीक हो गया। शोष धन अन बराबर क्या हो गया, शोषण हो गया ठीक है। न आया ना और सपूर्ण और सौ आया ना पहले तो इसलिए अणाव में परिवर्तित हो गया। त्रिश धन न बराबर त्रिष्णा ठीक है, हो गया ना। त्रिश में रो आया ना पहले तो सपूर्ण और सौ तो और उसके साथ न आ गया तो इसलिए अणाव में परिवर्तित हो गया। भूष धन अन बराबर भूषण ठीक हो गया। री धन न बराबर ऋण, मैं आपको पहले नियम बता चुका हूँ, री र और इसके साथ में ये री र और षट्कोण आदि स के साथ में अगर न आएगा तो हमें पता है कि वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अण में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए री आया ना इसके साथ में न आया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अण में परिवर्तित हो गया तो ये हो गया ऋण। ऐसे ही हर धन न बराबर हरण, अण में परिवर्तित हो गया। री र स के साथ अगर न आए तो वह अण में परिवर्तित हो जाता है। सौ षट्कोण वाले सौ की हम बात कर रहे हैं ठीक हो गया। नियम चार में सर्जन वाला सौ था, ये बात याद रखें। अब तो हमारे जो है नियम पांच, अब हम बात करते हैं अगले नियम ठीक हो गया। अब तो हमारा अगला नियम है नियम छह। तो नियम छह जो है मौ संबंधी नियम है, नियम छह जो है मौ संबंधी नियम है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बात समझना है। जब आप समझ गए, वीडियो कंप्लीट देख लिया, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट यानी कि जो किताब आपके पास है आप उसी से प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपको फायदा देगा, बहुत फायदा देगा। चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। तो नियम छह में हम मौ संबंधी नियम देखते हैं ठीक हो गया। यदि मौ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक की जो है उसके साथ जुड़ जाता है। अब नासिक के क्या है, अंग इया अण न म, इनको हम नासिक के बोलते हैं ठीक हो गया। जिन में मतलब जो नाक से बोले जाते हैं नासिक के, नासिक की वर्ण बोलते हैं ठीक है। अंग इया अण न म ठीक हो गया। इया एक बार इया बोला तो नौ से नाक से जैसे उच्चारण होता है तो इसलिए इसे बोलते हैं हम नासिक के। अभी मैं आपको वर्ण रचना बताऊंगा तो वर्ण रचना जब हम पढ़ेंगे तब हमारे जो ये वर्ग भी गिने होंगे, साथ ही साथ कौन सी ध्वनि कौन सा शब्द नासिकीय है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालव्य है, ये सब चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा सीरियल वाइज में। बस अच्छे सिर्फ आपको जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है ठीक हो गया जी। इसमें आपको बताता हूँ मौ संबंधी नियम क्या है। मौ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो उसी वर्ग का नासिक के वर्ण जो है उसके साथ जुड़ जाता है ठीक हो गया। तो ये मौ किया मौ 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 ये है नासिक के वर्ण। अब इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे सा
सम धन कलन है ना, ये संकलन हो गया, ये मोना इधर बिंदु में लग गया है, बिंदु लग गया ना पर, तो यही जो है नासिक की कहलाता है। ठीक हो गया, तो सम धन कलन बराबर संकलन। ठीक हो गया, अगला सम धन योग बराबर संयोग, ये मो है ना, ये इसके ऊपर बिंदु लग गया, बाकी जो वही है संयोग हो गया। जैसे आपका देखते हैं हम परम धन तु है ना, परम धन तु, तो ये मो ना इसके ऊपर बिंदु लग गया, यही नासिक है, परंतु हो गया। ठीक हो गया, सम धन योग बराबर संयोग, ये मो है ना, इसके ऊपर बिंदु के रूप में लग गया, नासिक कहलाया, तो संयोग हो गया। तो बहुत आसान है इसे समझना, ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान है और प्रैक्टिस सेट लगा है जी। अब जो इसका लास्ट नियम है व्यंजन संधि में, सात नियम की बात हमने की थी, तो सातवा नियम जो है स्व संबंधी नियम है। ठीक हो गया, स्व संबंधी नियम क्या है, जो सविता वाला स्व होता है ना, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, षटकोण वाले स्व में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ईजी है, सविता वाला स्व षटकोण वाले स्व में परिवर्तित हो जाता है, याद करने के का आसान है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है ना, अभी धन से बराबर अभी से, ये सविता वाला स्व ना षटकोण वाले स्व में परिवर्तित हो गया। ये जो देखो सरिता वाला स्व है ना षटकोण वाले में हो गया, बाकी से में। ठीक हो गया, जैसे सुधन समा, तो ये स्व किसमें कन्वर्ट हो गया, षटकोण वाले, सरिता वाला स्व षटकोण में परिवर्तित हो गया, तो सुषमा हो गया। ऐसे बी धन सार बराबर विशाल, फिर से बी धन सार बराबर विशाल। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा हो गया व्यंजन संधि पूरा, और साथ ही साथ आपको वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है बार बार, अगर आपको अपने मिशन तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मेरा प्रयास भी यही है इस वीडियो को बनाने का, उन लेक्चरों को जो है बनाने का, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो ऑफलाइन क्लास लेने में असमर्थ हैं उनके लिए मैं स्पेशली, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत फायदेमंद होगा ये वीडियो, और इस प्रकार के लेक्चर उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, और डेफिनेटली वो अपने जो मिशन है उनका उसमें जरूर सफल होंगे। और बस तुम्हें सिर्फ जरूरत है वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की, सिर्फ आप एक बार देखिए वीडियो। ठीक हो गया, जब आपने एक बार वीडियो देख दिया शुरू से लास्ट तक, उसके बाद आपको करना क्या है, प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। जैसे आज आपने पढ़ा व्यंजन संधि, तो आज सिर्फ आप व्यंजन संधि पढ़ा, तो व्यंजन संधि का आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक हो गया, साथ ही साथ हम जो है एक एक लेक्चर जो है डेली जो है हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी और साथ ही साथ हिंदी में भी, अभी हमारी टीम और काम कर रही है, तो साथ ही साथ हम मैथ्स और बिजली के भी जो है लेक्चर यहाँ पर अपलोड करेंगे। बसते आप जो है सिर्फ इतना हम सहयोग कर रहे हैं कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जो आपको जरूरत पड़ती है एग्जाम के टाइम में, तो आपको वीडियो देखने की दोबारा जरूरत ना पड़े, आपका जो है वहां पे समय भी बचेगा, साथ ही साथ जो है लिखने से वो चीजें बार बार दोहराई भी जा सकती है। ठीक हो गया, जहाँ आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आपको वहां पर नोट डाउन करना है। और दोस्तों हमारा जो है वीडियो बनाने का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, शेयर बहुत जरूरी है शेयर करना, ताकि जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए, और हमारा जो है ये मिशन जो है इसी तरीके से काम करते रहेगा, और इसी तरीके से हम लोग जो है मंजिल तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। और लगभग अभी हमने हिंदी में है, ये आज का हमारा पांचवा छठा लेक्चर है, तो इसी प्रकार से अभी बहुत से वीडियो हमारे आने वाले हैं, तो लगभग लगभग डेढ़ महीने के अंतर्गत एक वीडियो एक दिन भी आता है, तो संडे छोड़ के हमारे वीडियो जो है डेली हम दो दो वीडियो या एक एक वीडियो जो है अपलोड करते हैं, तो दो वीडियो अगर डेली भी आते हैं उत्तराखंड से और एक हिंदी से, तो डेफिनेटली जो हिंदी हमारा 45 से 50 दिन में हिंदी हमारा पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड, अगर आपने अभी हमारा उत्तराखंड की वीडियो देखे हैं, उत्तराखंड का इतिहास अभी उसमें चल रहा है, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, मेधा अकेडमी की, मेधा अकेडमी चैनल की, जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे
तो आप वहाँ पे जो है उत्तराखंड इतिहास के जो है वीडियोस भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर वीडियो को जरूर कीजिए फिर से दोस्तों, ठीक है। तो अब हमारा बचा क्या है इसमें, अगला विसर्ग संधि बचा है तो उसे हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा संधि जो है तीन पार्ट में जो है पूरा हो जाएगा, फिर हम जो है कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो